कि आए दिन एक एक्सीडेंट की ऐसी घटनाएं आती रहती है जो रूह कांप जाती है, चाहे वो NH 57 की हो या किसी मेन चौराहे। बैंक से जा रहे थे घर, तो आगे से हम सब जा रहे थे बाइक से, पीछे से स्पीड में पिकअप वाला आया और टक्कर, सांस चल रहा था, ले गए बासुपट्टी हॉस्पिटल में सिद्धि विनायक में, वहाँ पर इलाज उलाज करा के, मतलब पता नहीं पहले से डेट था, हम लोग उतना हम तो उतना नहीं समझ पा रहे थे, बेहोश थे। नमस्कार, मैं सीमा पाठक, आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम घर के सामने हम अभी उपस्थित है। आपको बता दें कि आए दिन एक एक्सीडेंट की ऐसी घटनाएँ आती रहती है जो रूह कांप जाती है, चाहे वो NH 57 की हो या किसी मेन चौराहे की हो। 3 आदमी जो है, बासुपट्टी की ये घटना है, 3 दोस्त जो है पंजाब बैंक जा रहे थे, पंजाब बैंक से काम हो गया तो आ रहे थे वहाँ से, तो पीछे से जो है पिकअप ठोक देती है। बता दें 19 साल का एक युवक था उसमें, जिस जय नारायण पंडित नाम था उनका, जिनकी हत्या हो चुकी है वहीं पे, जो है एक्सीडेंट में मौत हो गई है। 2 दोस्त है जो थोड़ी थोड़ी घायल है, यहीं पर हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि बहुत ज़रूरी है कि जो गाड़ी चलाते हैं आजकल, जो 16 साल के युवक हो या 17 साल के हो, सबके हाथ में एक गाड़ी रहती है। ज़रूरी है कि आप लोग ध्यान से गाड़ी चलाएं, क्योंकि आपकी एक लापरवाही, और सबसे बड़ी बात है जो पिकअप और ट्रक जो ठोकते हैं, ज़्यादातर केस ऐसी सामने आती है, तो आप ऐसे थोड़ा ध्यान दें कि आपकी लापरवाही के कारण किसी के घर की बंस जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, किसी घर का चिराग ख़त्म हो जाता है। आपको बता दें, इनके दोस्त से भी बात करने की कोशिश करेंगे, और क्या ये जो घटना हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हुई, मेन लापरवाही किसकी थी, वो भी उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो गाड़ी चलाते हैं थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आपकी वजह से जो है आपकी फैमिली में जो आदमी चला जाता है वो तो बस चला जाता है, जिंदा होता है वो माँ, वो बहन, वो भाई, वो बाप, सोच सकते हैं जो छोटे से पोस्ट वाल के बड़ा करता है, वो जो माँ अभी सुनेगी कि एक एक्सीडेंट में उसके बेटे का मौत हो गया है, उस माँ पे क्या गुजरेगी, या उस बहन या उस भाई पे क्या गुजरेगी। हम उनके दोस्त से भी बात करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों के समक्ष पूरी जानकारी जाए। वही दोस्त है जिन ये भी थे तब वो गाड़ी पे, इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम आस मोहम्मद है। अब जो आप लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, क्या कहाँ पे मेन हुआ और कैसे हुआ एक्सीडेंट? एक्सीडेंट हुआ है परसा में, बासुपट्टी से आए थे बैंक में, बैंक से जा रहे थे घर, तो आगे से हम सब जा रहे थे बाइक से, पीछे से स्पीड में पिकअप वाला आया और टक्कर मार दिया। तो क्या आपके दोस्त का जो है वहीं पे स्पॉट मर्डर हो गया था? वहीं पे थोड़ा सांस चल रहा था, ले गए बासुपट्टी हॉस्पिटल में सिद्धि विनायक में, वहाँ पर इलाज उलाज करा के मधुबनी रेफर किया, तो ले गए हैं वहाँ पर क्रिप्स है उसमें ले गए हैं, वहाँ पे चेक उक किया है तो बोला है कि डेथ कर गया, वहाँ तक गए, वहाँ पे डेथ क्रिप्स में डेथ कर गया है। नहीं, अब पता नहीं पहले से डेथ था, हम लोग उतना हम तो उतना नहीं समझ पा रहे थे, बेहोश थे, तो क्या बताएं हम। तो यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए दूसरा आपके साथ एक और कोई आदमी था, 3 आदमी थे आप लोग? जी। तो वो कहाँ पे? वो घर पे है, वो घर चले गए। हाँ, देख सकते हैं यही वो दूसरे आदमी थे जो गाड़ी पे थे, एक आदमी जो है वो घर चले गए। इनको भी आप देख सकते हैं कि चोट जो है बहुत सारा लगा हुआ है, यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आए थे। आदमी जो है यहाँ से क्रिप्स तक गया, जो भी था वो सिचुएशन उसका पूरी तरीके से इन लोगों को पता नहीं, क्योंकि इनका भी जो है हालत ठीक नहीं था। अभी वो वहाँ पे है, आपको बता दें कि पुलिस आई हुई है, टाउन थाना देख रेख कर रही है। ज़रूरी है कि एक्सीडेंट की जो केस आ रही है, वो जो लोग गाड़ी चलाते हैं उस पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है अभी एक्सीडेंट की घटना जो है सामने आ रही है। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।